नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के ठीक बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको दो युवक दिखाई दे रहे होंगे। दोनों बुरे तरीके से घायल हैं, जिनमें से एक युवक जो सबसे पहले लेटे हुए हैं, उनके पाँव पर बताया जा रहा है कि कल पांव पे गोली लगी। और जो दूसरे आप व्यक्ति यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनके सर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल इंद्री के पास एक गांव में 7 से 8 राउंड फायरिंग हो जाती है दो गुटों के बीच, दो पक्षों के बीच आपसी किसी विवाद के चलते लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बीच में ये दोनों युवक वहां पर बताया जा रहा है कि अपनी गाड़ी लेने के लिए पहुंचते हैं। ये बेकसूर होते हैं, इनका कुछ उस लड़ाई झगड़े से लेना देना भी नहीं होता, लेकिन ये उस लड़ाई झगड़े में पिस जाते हैं। और किस तरीके से दोनों इस वक्त बुरे तरीके से घायल हैं, मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आसपास के तमाम लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जिनके पाँव में गोली लगी है, उनका नाम लविश बताया जा रहा है। क्या पूरा मामला था, दो पक्षों के बीच आखिर इंद्री में क्यों लड़ाई होती है? अवर्धन नहर के पास बताया जा रहा है कि एक गाँव में, अवर्धन नहर का जो पुल है, वहां पर दो गांव के अलग अलग यानी कि दो पक्षों के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते हैं कुछ पुराने विवाद के चलते। लेकिन बातचीत करने के दौरान ही किस तरीके से वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बात बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बात बढ़ जाती है, जिसके चलते ये लोग बीच में जाते हैं, बताया जा रहा है अपनी गाड़ी लेने के लिए हालांकि पहुंचे थे, लेकिन इनको गोली लग चुकी है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? लविश नाम है मेरा, रादौड़ से हूँ मैं। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। हुआ क्या था कल? कल हम गाड़ी लेने पहुंचे वहाँ पे, कितने बजे की बात है ये? 5:30 बजे की बात है। तो वहाँ पे आपस में लड़ाई बज रही थी। किन की लड़ाई थी? वो वहीं के गांव के आसपास की थी लड़ाई। तो उन्होंने पहले तो कार पे हमला किया, उसके बाद हमारे ऊपर हमला किया। कैसे चली गई? वो जो दूसरी पार्टी के थे वो वहाँ पे बातचीत करने के लिए गए थे, उनसे वहाँ पे मेरी गाड़ी लेके गए थे वो। तो मैं गाड़ी लेने गया वहाँ पे, तो उन्होंने सारा पहले थोड़ा पीछे वाला, उसके बाद हमें भी मारा, सिर में भी मारी हुई है रोड़े। जब हमने उनसे रोड कोसी तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। तो मैं एक राउंड फायरिंग हुई थी? 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई थी। एक मेरी टांग में लगा हुआ है बट में, तो और साइड से निकल गया है। उसके बाद भी वहाँ का जो सरपंच है मुखाली का, उसे नाम, नाम नहीं पता मेरे को, उसने मेरे को पकड़ा। और जो अभिषेक नाम है और एक मोहित जाट, वो दोनों फायरिंग कर रहे थे। अभिषेक और मोहित, मोहित कहाँ से हैं ये? ये मुखाली से, मुखाली गांव। हाँ जी। तो ये दूसरा पक्ष था यानी कि जिनकी तरफ से वार किया गया, हमला किया गया। हाँ जी। और इधर वाला पक्ष कौन था जो आपकी गाड़ी लेकर गए थे? अभिषेक जो है वो सरपंच का लड़का है, जो गाड़ी लेके गया था भाई था। क्या नाम है, मैं ये पूछूं? सरपंच का नाम नहीं पता मेरे को। आप ही को गोली लगी थी सिर्फ? हाँ जी। कुल कितने जने थे? हम तो 7-8 जने थे जी। तो वो 35-40 बंदे थे। 35-40 बंदे थे, सभी के हाथ में बताया जा रहा है डंडे वगैरह थे। हाँ जी, रोड वगैरह, डंडे वगैरह, तलवार, गंडासिया, सिर में भी लगी हुई है मेरे पीछे। तो ये बातचीत क्या हुई? ये तो सरासर हमला की पूरी तैयारी करके आए, तैयारी करके आए थे। हमको बोला जा रहा था कि हम बातचीत करने के लिए आए हैं, फैसला करने के लिए आए थे, सरपंच भी आ रहा था। फैसला किस बात पर था, विवाद क्या चल रहा? वो पहले ही कुछ आपस में होगी, स्कूल में लड़ाई लड़ोगी उसके कारण। तो उन्होंने सरपंच ने बात करने के लिए बुलाया था, तो सरपंच ने ही हमला करवा दिया। पहले हमको पकड़ लिया, उसके बाद उनसे हमारे ऊपर हमला करवाया। आपका क्या नाम है? लवली जी। आप इनके कुछ लगते हैं? हाँ, दोस्त हूँ जी मैं इसका। क्या हुआ था, आप भी कल मौके पर? हाँ, मैं मौके पर था जी, मैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जी। हुआ क्या था कल, कितने बजे की बात है? 5:30 बजे की बात है। कौन है वो दोनों दूसरे पक्ष वाले लोग, कुल कितने लोग थे? वो मुखाली के थे जी, 30-35 जने थे जी वहाँ पे। ठीक है जी, एक अभिषेक है जी, सरपंच का लड़का, सरपंच था जी, मोहित था जी। सरपंच का नाम? सरपंच का नाम नहीं पता जी मेरे को जी। राजन था जी और नितिन था जी, कई जने थे जी। पिस्टल वगैरह लेकर आए थे? हाँ, पिस्टल हथियार ले रहे थे जी, अभिषेक हथियार ले रहा था जी, मोहित हथियार ले रहा था जी। पुलिस पर, माफ कीजिएगा, मौके पर पुलिस वगैरह नहीं पहुंची? नहीं जी, उस टाइम नहीं पहुंची जी, हमने बाद में करा जी, फिर पहुंची जी। लड़का वहीं रह गया था जी, मैं इसको लेकर निकल गया जी। जब उन्होंने फायरिंग करी जी, इसकी टांग में गोली लगी, जिसने मेरे को बताया कि मुझे गोली लगी है जी, तो इसको पीछे से सरपंच ने पकड़ लिया जी, इसने अपने आप को किसी तरह छुड़वाया जी। मैंने इसको कार में बिठा के लाडवा लेके गया जी, ये लड़का वहीं रह गया था जिससे बाइक नहीं स्टार्ट हुई। तो इसके ऊपर बहुत हमला करा जी उन्होंने, उसके सर में भी चोट आई जी, टांगे पे भी जी। इसका FIR वगैरह दर्ज हुई है इस मामले में? हाँ जी, हो रही है जी, इंद्री थाने में। हाँ जी। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, कार्रवाई कर रही है जी।
क्या कार्रवाई की है? बस अभी तो जी बयान लेके गए हैं जी हमारे जी, FIR दर्ज करी है जी, उनको उठाएंगे जी जिन्होंने वारदात करी है जी। तो क्या मांगते हैं, क्या आपकी मांग है कि क्या हो, पुलिस क्या कार्रवाई करे? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी, आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए जी। एक बार दूसरे व्यक्ति से भी मैं बात कर लेती हूँ जिनके सर पर काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। क्या नाम है भी आपका? हिमांशु है। आप कहाँ से हैं? अलहार से जी। अलहार से। क्या नाम बताया? हिमांशु, अलहार से। अलहार से। अच्छा, क्या उम्र क्या है आपकी, हुआ क्या था कल? 23 साल उम्र है। हम आ रहे थे रिश्तेदारी में, बदरपुर से जा रहे थे जी, गाड़ी लेनी थी। गाड़ी लविश की थी आप? लविश की गाड़ी थी, वो लेनी थी जी हमने कलरे से। तो पता लगा कि उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही है, बातचीत करनी है, उन्होंने बुलाया सरपंच साहब ने। तो वहाँ गए गाड़ी लेने, तो उन्होंने बोला 5 मिनट रुक जाओ। हम रुक गए जी 5 मिनट, वो आए 35-40 जने, सरपंच ने उनसे हमला करवाया जी हमारे ऊपर। तो आप जानते हैं उन लोगों को जो अभिषेक और एक और आरोपी का नाम? ना, मैं नहीं जानता जी उन्हें, उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा जी। अभिषेक नहीं जी, नहीं अपनी कोई बातचीत भी नहीं है उससे पहले कभी भी कोई। विवाद क्या चल रहा था, क्यों फायरिंग क्यों की जाती है? फायरिंग का मैंने नहीं पता, कोई पहली बात होगी जी, आपस में नमटा रहे थे जी, कब बोले नमटा लो ना, गोली नहीं लगी जी, चोट है बाजू पर इधर जी। टांके वगैरह आए हैं सर? हां, टांके है कि जी, जो भी था कि ऑलमोस्ट सारा कार लेके जो हमने थे, जो भी था जी, फोन लेके जी, फोन वगैरह भी लेकर गए, सब कुछ कार्ड लेके जे मजो जो था जी। में किस इरादे से वो लोग आए थे, समझौते के इरादे से तो लग नहीं रहा कि आए होंगे? नहीं आए थे जी, मार पीट के इरादे से आए थे, हमला करा थी जी, गोली चलाई उन्होंने सीधी। और कौन था आपके साथ मौके पर? और यार दोस्त थे जी, मैं अभी आप में से जो खड़े हैं मौके पर था कोई? नहीं जी, और नहीं था कोई? नहीं जी, नहीं था जी, ये थे जी और भाई हैं जी, मैं आएंगे। ये कह रहे हैं फोन वगैरह भी लेकर चले गए? फोन भी लेके गया जी इनका, उन्होंने FIR कराई है जी, फोन लेके गया जिसकी बाइक तोड़ गई जी सारी। तो ये गोलियां वगैरह चली, इसकी कोई वीडियो वगैरह भी आपके पास? नहीं, इसकी कोई वीडियो नहीं आज, वीडियो बनाने का तो मौका नहीं मिला जी, संभलने का भी मौका नहीं मिला जी, एकदम हमला है जी अचानक। इंद्री थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है या पहले डायलेक्ट 112 की? वो तो उन्होंने करी होगी, मैं तो उसको लेकर निकल गया था जी, इसको एम्बुलेंस लेके आएगी जी। तो इनका तो कोई कसूर भी नहीं था बीच में ना, ये जानते हैं? कोई कसूर नहीं था जी, तो अपनी गाड़ी लेने आए थे जी। आरोपियों का नाम क्या बताया? एक तो अभिषेक है जी, सरपंच का छोकरा जी, उसका डैडी है जी सरपंच, एक मोहित जाट है जी मुखाली का, और अन्य जी राजन है जी और नितिन है जी और हैं जी अन्य। तो मोहित जाट और अभिषेक ये दो आरोपी बता रहे हैं जिन्होंने इन पर फायरिंग की है, हमला किया है। 7 से 8 राउंड फायरिंग कल इंद्री में हो जाती है, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच जाता है जी। पकड़ा जब लड़के को गोली लग गई थी तो उसके डैडी सरपंच ने अभिषेक ने इसको पीछे से पकड़ा जी, किसी तरह छुट गया जी, तो मैंने इसको कार में बिठाया जी, तो मैं लेके गया। क्यों था? बस ऐसे मारने पीटने के लिए, जैसे इसको पिटा है जी भाई, इसको यहीं रख के पिटे। और मार पिटाई होनी? हाँ, और मार पिटाई होनी थी, वो तो मैं लेके उसने चलती कार पे भी रोडे मारी जी। तो कोई मामूली विवाद ही था या फिर कोई बड़ा विवाद था, कोई जमीनी विवाद था कुछ और? मामूली विवाद था जी, छोटे छोटे बच्चों का झगड़ा था जी, सरपंच ने इसीलिए बुलाया था, सरपंच के लड़के का झगड़ा। झगड़ा किसका था जिससे सारी बात शुरू हुई? ये कलरी का लड़का है जी रोजी, उसका झगड़ा था जी, एक हमारे गाँव का दीपक है जी और एक अभिषेक है जी जो सरपंच का लड़का है, इनका झगड़ा था जी। आरोपियों में से किसी की तस्वीर है आपके पास? नहीं जी, कोई तस्वीर नहीं है। कोई तस्वीर नहीं है आरोपियों में से किसी की? तस्वीर नहीं है, वरना वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते। लेकिन मोहित जाट और अभिषेक इन्होंने जो आरोप लगाए कि ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने फायरिंग की है, 7 से 8 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें से एक गोली लविश के पांव में लग जाती है, जो पैर है वहां पर लग जाती है, टांग में लग जाती है जी वहां पे। ये सरपंच है जी जो मुखाली का, इसने हमला कराया है, जिसने लविश को पकड़ा है जी गोली लगने के बाद भी, और सरपंच ने इसके सिर में रोड़े भी मारी है जी, उसके लड़के ने मारी है जी, इन्होंने बहुत तरी पिटा जी इसको। क्या डराने की कोशिश की गई है? बस जान से मारने गई था जी, वो तो गोली इसको पट में लग गई, अगर सीधी लग जाती तो मर ही सकता था जी। करनाल के SP गंगाराम पुनिया से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बस यही रिक्वेस्ट है जी, जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करे जी, हमारे को न्याय दिलाए जी। करनाल के SP गंगाराम पुनिया से भी यही कहना चाहेंगे कि अभी भी जान का खतरा इन लोगों पर मंडरा रहा है, आसपास के तमाम लोग, कल जब 7-8 राउंड फायरिंग होती है तो आप समझ सकते हैं कि दहशत में लोग आ गए हैं और काफी ज्यादा डरे हुए हैं, और इन लोगों पर भी अभी जान का खतरा मंडरा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।